हमारे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पिछले कुछ समय से ग्रीन टी पीने का चलन भारत में बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजह है ये हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे ग्रीन टी बनाने की विधि, ग्रीन टी पीने का सही समय, ग्रीन टी पीने के फायदे और कुछ नुकसान भी। तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करने के लिए आपको लाल वाला बटन दबाना है और पास ही घंटी वाला बटन भी दबाएं ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो मिस ना कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है। इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ग्रीन टी यानी हरी चाय कैमेलिया साइनेंसिस नामक पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है और आज बाजार में इसकी कई किस्में मौजूद हैं। इतिहासकारों के अनुसार 1046 में चीन के शोंग राजवंश ने चाय की उत्पत्ति औषधि के रूप में की और आगे चलकर जापान के मध्य पूर्व की कई संस्कृतियों से संबंधित रही। बाद में मंगोलों ने इसे पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद ब्रिटिश ने एशिया और यूरोप में चाय का व्यापार शुरू कर दिया। इसके बाद दार्जिलिंग में चाय की खेती को प्रसिद्धि मिली और आज पूरे विश्व में इस पेय का आनंद उठाया जाता है। ज्यादातर पश्चिमी देशों में ब्लैक टी की जगह ग्रीन टी ने ले ली है। आपको बता दें, ग्रीन टी में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे पोषक तत्व भी ग्रीन टी में मौजूद हैं। इसलिए आज कई ब्यूटी प्रोडक्ट में भी ग्रीन टी के अर्क का इस्तेमाल होता है। साथ ही कई बीमारियों के इलाज के लिए बनाई जाने वाली दवाओं में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। ग्रीन टी हमारे शरीर को कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रीन टी बनाने की विधि। एक बर्तन में पानी उबाल लें, एक कप में एक चम्मच ग्रीन टी या बेग डाल दें और उबला हुआ पानी सीधा कप में डालें। एक बार चाय को हिला लें, फिर कप को ढक दें और 2 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। इसके बाद चाय छान लें या बेग निकाल दें और सेवन करें। आप चाहें तो इसमें शहद और नींबू का रस भी मिला सकते हैं, पर शहद चाय के गुनगुना होने पर ही मिलाएं। आप मीठे के शौकीन हैं तो इसमें चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन टी को बिना चीनी के पीना ज़्यादा फायदेमंद होता है। ग्रीन टी पीने का सही समय, सुबह नाश्ते से पहले ग्रीन टी ना पिएं। नाश्ता और दोपहर का खाना खाने के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पिएं। हरी चाय को देर रात ना पिएं, क्योंकि इसमें कैफीन होती है जो अनिद्रा का कारण बन सकती है। कम से कम आधा घंटा व्यायाम से पहले ग्रीन टी पीने को कहा जाता है। यह पाया गया है कि हरी चाय आपके प्रदर्शन के स्तर में सुधार लाती है और आपका स्टेमिना बढ़ाती है। तो चलिए जानते हैं ग्रीन टी पीने के और क्या फायदे हैं। अगर आप अपने मोटापे से परेशान हैं तो आज ही से ग्रीन टी पीना शुरू कर दें, क्योंकि ग्रीन टी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो चर्बी घटाने में कारगर हैं, साथ ही वजन भी कम करते हैं। आज के दौर में दिमाग का तेज होना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन टी इसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकती है। ग्रीन टी के रोजाना सेवन से याददाश्त सुधरती है, साथ ही दिमाग भी तेज होता है। अगर आप ग्रीन टी के 4 कप रोज पीते हैं तो ये कई तरह के कैंसर से बचाव करती है। दिल के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती है ग्रीन टी। इसके रोजाना सेवन से दिल की काफ़ी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने के लिए ग्रीन टी बहुत ही कारगर साबित होती है, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। हाई ब्लड प्रेशर में ग्रीन टी काफ़ी फायदेमंद होती है, जो हाई ब्लड प्रेशर का लेवल सामान्य बनाने में मदद करती है। ग्रीन टी ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मददगार होती है, इसलिए आप अपने आहार में ग्रीन टी शामिल कर लें। ध्यान रहे, बिना शहद और चीनी के ही पिएं। हड्डियों को मजबूत करने में भी ग्रीन टी काफ़ी फायदेमंद होती है। अगर आप दिन में 2 से 3 कप ग्रीन टी पीते हैं तो ग्रीन टी पीने से आपके बाल लंबे, मजबूत और साथ ही बालों का झड़ना भी कम होता है। सुंदर चमकदार त्वचा पाने के लिए ग्रीन टी का रोजाना सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अति हर चीज़ की बुरी होती है, इसी तरह ग्रीन टी का ज़्यादा सेवन भी नुकसान कर सकता है। नींद ना आना, पेट की खराबी, उल्टी होना, दस्त का होना, अक्सर पेशाब आना, पेट में दर्द होना, कब्ज जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ग्रीन टी दिन में 3 से 5 कप ही पिएं।
ग्रीन टी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इसे बेहिसाब पिया जाए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलते चलते हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। स्क्रीन पर आ रही वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सर्कल पर टच या क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।